मेरे फादर ने एक वर्डिंग यूज करी थी मेरे लिए तुम्हारी औकात नहीं है किसी लड़के को ना बोलने की काफी लड़कियां बोलने का दम रखती हैं काफी लड़कियां बोल नहीं पाती बहुत ही पेनफुल टाइम था वो मेरा अपनों से धक्का खाने का टाइम था मुझे बहुत गुस्सा था अंदर ना बहुत पेन था कि मेरी गलती नहीं है मुझे इन चीजों से गुजरना पड़ रहा है आज शायद मैं सुसाइड करके मर चुकी होती मैं अब तक आती ही ना वो बस एक आवाज थी कि मैं वो प्रिंसेस हूँ जिसने बचपन में बहुत बड़े सपने देखे थे ज़िंदगी ऐसी होगी हसीन होगी बहुत बड़ा चीज़ें आएंगी एक बहुत बड़ा प्रिंस आएगा मेरी लाइफ में जो मेरे को संभालेगा मुझे एकदम खुश रखेगा बट जैसे जैसे उम्र बढ़ी वो सारे सपने सब कुछ एकदम चूरा चूर हो गए बिल्कुल ख़त्म और आज मैं जो भी हूँ जहाँ तक पहुँची हूँ वो सिर्फ अपने दम पे पहुंची हूँ मेरे सर पे किसी ने हाथ नहीं रखा किसी ने ये भी नहीं बोला कि बेटा कोई बात नहीं कुछ समय की बात है चीज़ें ठीक हो जाएंगी नमस्ते एवरीवन मैं हूँ सुमन और मुझे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट के नाम से जाना जाता है बचपन में, में लोगों के पास या सबके पास यादें होती हैं नानी के घर की दादी के पास की मदर के साथ अच्छी मोमेंट्स फादर के साथ बहुत अच्छी छुट्टियों वाली चीज़ें बट अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, तो मेरा बचपन गया है डोमेस्टिक वायलेंस में मैंने अपने फादर के थ्रू अपने घर में हर आए दिन डोमेस्टिक वायलेंस फेस करा है मेरी मदर उसकी बहुत बड़ी शिकार रही है मैं रही हूँ हमारे घर में हर एक, -एक मेंबर के साथ ये चीज़ हुई है इस कारण से मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी अब फादर की एक्सपेक्टेशन कुछ और है मुझसे मेरी मदर की एक्सपेक्टेशन कुछ और है फादर मुझे देखना चाहते थे कि इंडिपेंडेंट लड़की स्ट्रोंग जिसकी एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी है जो एकदम खड़ी होए तो एकदम दिखे कि हाँ ये मेरी लड़की है वहां पे मेरी मदर चाहती थी कि मैं इन सब चीजों में ना पढ़ू एंड मैं एक हाउस वाइफ बनू एक घरस्थी सिंपल घर संभालने वाली लड़की जो कि मैं बनी भी थी जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी घर में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमने फेस करे इतने ज़्यादा मेरे फादर से हम सब बहुत डरते थे बहुत ज़्यादा मैंने मास्टर्स करी बहुत ही मैंने पिटाइयाँ हैं पढ़ाई करते हुए और मैं क्या बताऊँ मैं कैसे पढ़ाई करके आई हूँ मुझे ही पता है मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था बिल्कुल भी नहीं और मुझे घर के काम बड़े अच्छे लगते थे खाना बनाना घर संभालना मंदिर साफ करना और जो कि ये मेरी मदर को अच्छा लगता था तो मुझे भी यही अच्छा लगता था अब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि करियर मुझे कम से कम पचास से ज़्यादा कंपनीज में रिजेक्शन्स फेस किया है मैंने कोई भी कंपनी मुझे एच आर राज़ी नहीं थी मास्टर्स के बाद सो so मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा घर पे इतना प्रेशर था कि जॉब करनी है तुम पैसे कमाओ पैसे कमाओ फिर मुझे डाया पार्क प्रीमियर एक सेक्टर 29 नाइन गुड़गांव में होटल है लकीली जहां जहां मुझे कुदरत ने धूप में चलाया है वहाँ वहाँ भगवान ने मेरे लिए पेड़ लगाए कि अगर तुम्हें धूप में चला रहा हूँ मैं बच्चे ये पेड़ यहाँ पे बैठ जाओ थोड़ी देर छाया मिल जाएगी अब वहाँ पे मैंने जॉब स्टार्ट की बैंकविथ सेल्स में अब मेरा कोई बैंक बैकग्राउंड ही नहीं है होटेल इंडस्ट्री का बट स्टिल वहां पे मुझे इतने प्यारे लोग मिले इतने अच्छा स्टाफ मिला और मैंने वहां पे बहुत कुछ सीखा भी धीरे 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 मुझे एक कॉल सेंटर्स में जॉब मिला जैसे ही मेरा कॉल सेंटर में सिलेक्शन हुआ डोमेस्टिक कॉल सेंटर में मेरे घर पे शादी का इतना प्रेशर था क्योंकि मेरे घर वाले एंटायर माई फैमिली सबको ये लगता था कि इसको लड़का नहीं मिल सकता जो भी लड़का मिले इसको निकाल दिया जाए जल्दी जल्दी क्योंकि अदरवाइज आज ये एटी किलो की है दो साल बाद तो पक्का इसने हंड्रेड क्रॉसिंग करना है पैसे इससे कमाए नहीं जाते खड़ा होना इसको आता नहीं है बात करने इसको नहीं आता कपड़े पहनने इसको नहीं आते तो इसको जितनी जल्दी है पहले घर से निकालो मैं ऑफिस से आ रही थी एक नेबर में एक आंटी रहते थे उन्होंने एक रिश्ता ऑफर करा जो कि मुझसे आठ साल बड़ा था मैंने बोला आप मेरे पापा से बात कर लो तो उन्होंने मेरे फादर से बात करी एंड मेरे फादर ने रिश्ता सुनते ही बिना देखे समझे हाँ ठीक है यहाँ पे ठीक है सो so, मेरी फैमिली का प्रेशर है नहीं जी हम तो मिलेंगे सो वन शॉर्ट मीटिंग में रिश्ता पक्का कर दिया गया जब मैंने बोला कि नहीं मुझे यहाँ पे अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने का तब एक वर्ड आज तक मेरे दिमाग में ना रटा हुआ है मेरे फादर ने एक वर्डिंग यूज़ करी थी मेरे लिए तुम्हारी औकात नहीं है किसी लड़के को ना बोलने की क्योंकि ना तो तुम कमाती हो दिखने में तुम इतनी गंदी दिखती हो नो no डाउट मैं उस समय काफी ब्लैक थी एक्ने वाला फेस था बाल बनाने नहीं आते थे कपड़े पहनने नहीं आते थे और बात करनी भी मुझे खासी आती नहीं थी क्योंकि मम्मा ने मुझे पूरा घृस्थी वाला बच्चा बनाया एनी वेज वो औकात जो वर्ड था मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया औकात वर्ड हमारा रिश्ता जुड़ा अब मेरे फादर एक ऐसे बैकग्राउंड से थे कि लड़का और लड़की कोर्टिप पीरियड में मिल नहीं सकते सो so, जैसे तैसे वो पीरियड खत्म हुआ और मैं शादी के लिए इसलिए भी ओके okay थी कि ठीक है जी यहाँ से कम से कम निकलूंगी यहाँ पे रोज लड़ाइयाँ हैं रोज मार्क उठाइयाँ हैं कम से कम मैं शादी करके जा रही हूँ वहाँ पर मेरा लाइफ तो स्टेबल है ना मुझे पैसे कमाने का टेंशन होगा वहाँ पे और वहाँ पर मैं पति के पैसों पर रह लूँगी और बच्चे करने और घर बसाना है लाइफ सिंपल है सॉटेड सो वो एक्सपेक्टेशन ह्यूमन है ना हम सोच लेते ना दिमाग में कि हाँ अब तो एक नया चैप्टर खुलने वाला है लाइफ का बट मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था क्या से क्या हो जाएगा मैं शादी करके वहां पे गई एंड फर्स्ट डे मेरे लुक्स पे बहुत अच्छे कमेंट्री हुई जो कि जिसकी मैं आदि हूँ थी सो so, मैंने उस चीज़ को इग्नोर करा मैंने कोशिश करी चीज़ें आगे बने ठीक हुए बट मेरे एक्स हस्बैंड ने मेरे साथ किसी भी टाइप का कोई रिलेशन बनाने के लिए इनकार कर दिया क्योंकि मैं उन्हें अट्रैक्ट ही नहीं कर पाती थी मैन मैं इतनी बुरी दिखती थी कोई बात नहीं उसके बाद जैसे जैसे मैंने खुद पे काम किया कभी डिप्रेशन में गई फिर पीसीओडी मेजर आया और स्लीपिंग पिल्स पे आना पड़ा मुझे और मैं बड़ी गुस्से में रहती थी गॉड नोस इतना गुस्सा आया कहाँ से शायद वो बचपन की चीजें आ गई फिर शादी से कुछ नहीं मिला वो सब कुछ ना इकट्ठा होता गया दिमाग में ना मैं पेरेंट्स के पास जाती बैग उठाकर कि मुझे रखो वहां पे लड़ाई होगी वो मुझे कहते धक्के मार के निकालते वो कहते यहाँ से निकलो ये तुम्हारा घर नहीं है तुम्हारी शादी हो गई है जी फिर मैं इन लॉस के पास आती बैग उठाकर वो कहते ये तुम्हारा घर नहीं है यहाँ से अभी निकलो सो so, मेरा बैग ना पैक रहता था और मेरे को समझ नहीं आता था मेरा घर का है सो so, मेरे दिमाग में एक और चीज फिट हो गई सब माइंड में कुछ भी हो मैं पहले अपना घर बनाऊंगी ताकि मेरा सामान तो मेरे घर में रहे मैं सिक्योर तो फील करूँ कि हाँ ये मेरा घर है और 90% लड़कियों के साथ ये केस है काफी लड़कियां बोलने का दम रखती हैं काफी लड़कियां बोल नहीं पाती हैं काफी लोगों का ये मैटर है काफी लोगों का ये प्रॉब्लम है है कि उनका पैक रहता से, माइके से ससुराल वो जंप ही करती रहती है और स्टेबल लाइफ है ही नहीं एनी मेरे घर वालों ने मुझे बहुत समझाया कि एक बच्चा हो जाएगा जिंदगी आसान हो जाएगी ये पुराने थॉट्स पहले खुद की लाइफ स्टेबल नहीं है बच्चे को कहा से लाओगे सो so, मैंने अपना वेट कम करना स्टार्ट किया दस किलो जैसे ही गिरा मुझे लगा मैं तो बस कुछ भी कर सकती हूँ मैं एकदम टॉप पे हूं मैं दस किलो गेर लिए मैंने दस किलो जैसे ही गिरे मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा यूट्यूब पे क्योंकि मैं ना बोल बोल के थक जाती थी अब एक ऐसी लड़की जो बचपन से वेट का स्ट्रगल कर रही और अचानक से उसने दस किलो गेर दिए तो सबको लगता है ना तुमने क्या किया तुमने क्या किया क्या किया तो मैं बता बता के थक जाती थी मेरे को लगा कि मैं यूट्यूब पर डाल देती हूँ जिसको चाहिए वहां से देख लेगा तो मैंने अपना फर्स्ट डाइट यूट्यूब पे पोस्ट करा जिसमें ऑफकोर्स मैं थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी बट कोई बात नहीं पाँच साल पहले की बात है सो so, वो वीडियो वायरल हो गई और मेरे को दुनिया भर से लोगों के मेल्स आते थे क्वेश्चन के लिए फिर बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स आती थी मेरे को बड़ा मजा आने लगा तब तो मैं जॉब करती थी आई गेस सोलह हजार रुपये की एच आर ई एल आई में रिक्रूटमेंट में मेजरली मैं काम करती थी मेरा मन करा मैंने कहा छोड़ो जॉब और मैं बड़ी आप मेरे को इसमें कुछ भी कह सकते हो मैंने जॉब छोड़ा एक ही दिन के डिसीजन में मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे रिजाइन दूंगी यहाँ पे कागज डालूंगी मैं दोबारा जॉब करूंगी तो मुझे जॉब करनी नहीं है काटा मैंने अपने रास्ता बंद करा और मैंने एक नए रास्ते पे ध्यान दिया जो था मेरा यूट्यूब का करियर मेरा फिटनेस का करियर उस स्टेज पे मुझे कुछ नहीं समझ आता था हस्बैंड क्या कर रहे हैं घर में क्या हो रहा है मम्मी ठीक है नहीं है फादर किसकी कुटाई कर रहा है मुझे कुछ नहीं पता चलता था मैं सिर्फ ये देखती थी मैं ठीक हूँ मेरा मेंटल लेवल ठीक है और मेरा करियर ठीक है और मेरा पीरियड्स जो बिल्कुल रेगुलर था वो ठीक है तो मैं ठीक हूँ जैसे जैसे मेरा करियर बढ़ा अब प्रॉब्लम फिर आ गई मेरा एक्स हस्बैंड ने बोला जी आप जितने पैसे कमाते हो हमें दोगे हम हैंडल करेंगे और उनको यूट्यूब करियर पसंद नहीं था मीडिया में लड़की जा रही है क्या गलत बात है बहुत गलत बात है मैंने बोला जी मैं तो करियर नहीं बंद करूंगी क्योंकि मुझे कुछ मिल नहीं रहा ना वहां से ना फैमिली लाइफ मिल रही है ना बच्चे मिल रहे हैं ना सिक्योरिटी मिल रही है ना ही कुछ रिलेशन है कुछ भी नहीं है तो मैंने कहा मैं तो बंद नहीं करूंगी जी यहाँ से मुझे खुशी मिल रही है एटलीस्ट ना लोग मिल रहे हैं लोगों का साथ मिल रहा है प्यार मिल रहा है मैं तो बंद नहीं कर सकती देन मेरे फादर के पास चीज़ें गए एंड माई फादर इज़ काइंड ऑफ सोसाइटी पर्सन की इज़्ज़त बचाओ मेरी इज्जत की सवाल है तो मैंने जैसे तैसे एडजस्ट करने की कोशिश करी एक साल और बट मुझे पता नहीं था उस पूरे एक साल में इतनी शिद्दत से डिवोर्स के पेपर्स की तैयारी हो रही थी इतने तरीके से कि मुझे पता ही नहीं चला एक जनरल नॉर्मल डे था मैंने हस्बैंड के लिए सुबह खाना बनाया लंच पैक करा उनके जूते में पॉलिश कर रही थी और मुझे बड़े अजीब नजरों से देख रहे थे मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया अब हमारे सबके अंदर ना एक वाइफ वाला सिस्टम होता है कुछ भी गलत होने वाला होता है एक वाइफ आ जाती है कि कुछ गलत होने वाला है मुझे उस समय बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आई कि कुछ डेंजर चल रहा है यहाँ पे दिमाग में ना एनी तो वो जब लास्ट मीटिंग थी मेरे हस्बैंड के साथ जो बहुत अच्छे से थी उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से हक करा एंड ही सेड कि तुम अपना ध्यान रखना आई सेड ओके मैं अपना ध्यान तो रखती ही हूँ तुमसे ज्यादा मैं अपना ही ध्यान रखती हूँ एंड uh, वो चले गए तब मैं अपने से सेपरेट एक जगह पे रहती थी अपने हस्बैंड के साथ वो भी सब एक डिवोर्स का प्लान था मैं इस शर्त पे उस जगह पे शिफ्ट हुई थी कि मेरा घर बसेगा और चीजें अच्छी होंगी और मेरी फैमिली का इंटरफेरेंस भी कम होगा पॉइंट इज जैसे ही वो पर्सन गए एक घंटे बाद डिवोर्स के पेपर आए वाह एंड वो बहुत शॉकिंग न्यूज थी मेरे लिए कि डिवोर्स के पेपर आए हैं जो इतने अच्छे तैयारी से बने हुए डेढ़ सौ पेजेस का वेरी गुड सुमान वेरी वेरी गुड और उस डिवोर्स के पेपर्स के साथ साथ आई कुछ ऐसी शर्तें जो कि माननी बड़ी बेकार थी अगर मैं उन शर्तों को मानती तो आज शायद मैं सुसाइड करके मर चुकी होती मैं अब तक आती ही ना वो बस एक आवाज थी कि सुमन दबना नहीं है। दबना नहीं नहीं है, है। ये गिराएंगे, गिरना नहीं है उठना है अभी उठी बहुत मुश्किल से हूँ मैं अब नहीं गिरना मैं अपने फादर के पास गई जी डिवोर्स के पेपर आए हैं सब लोग शॉक्ड माय फादर इज लाइक मेरी इज्जत बचानी है मैंने कहा करियर बंद करने के लिए बोल रहे हैं करियर बंद नहीं करना हम बात करेंगे चीजें सॉल्व करेंगे बट डिवोर्स नहीं होना चाहिए said, okay. पर सामने वाला बंदा करियर पे ही अटक चुका है कि ना 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 करियर तो बंद होके रहेगा देन एक सर्टेन पॉइंट में मेरे फादर ने भी बोला कि घर बचाओ और करियर बंद कर दो बट यार क्या तुम्हें लगता है ऐसा सोल्यूशन है कब तक हम लोग ऐसे करते रहेंगे ना चलो कर भी दें बट सामने से कुछ मिले तो सही कुछ है ही नहीं उस रिलेशनशिप में तो क्यों मैं अपना करियर भी बंद करूं जिसने मुझे इतने सारे लोगों का प्यार दिया ना no, बिल्कुल नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं सो so, मैंने वो डिसीजन लिया कि मैं ये डिवोर्स को लड़ूंगी मैं आगे जाऊंगी मैं करियर बनाऊंगी वो एक बहुत ही बड़ा टर्न पॉइंट था जिस पॉइंट ने मुझे अकेला करा अब मेरे घर पे मैंने मुठित फाइनेंस से बिजनेस लोन ले रखा था जो कि था 15 लाख गोल्ड का अब किस्त भरी नहीं तो घर पे चला गया नोटिस तो सबको पता चल गया कि लोन में है कर्जे में है बट सबको ये नहीं समझ आया कि इसका दिमाग इतना तेज है ये आने वाले टाइम में बहुत कुछ करने वाली है बट सबने मेरा वो करंट टाइम देखा मैं अपने फादर के पास गई जी मुझे रखो उन्होंने मना कर दिया हमारे घर में जगह नहीं है होता है ना कि डिवोर्स के बाद आप जाओ वहां पे तो उनको लगेगा कि हाँ जी यहाँ पे इसके ऊपर कर्जा भी है फिर ये सेकंड मैरिज भी डिमांड करेगी इसको रखना भी पड़ेगा अब ये करियर बनाएगी नहीं बनाएगी अभी तो थोड़ा बहुत दिख रहा है आगे फिर गिर जाएगी क्योंकि डिवोर्स का डिप्रेशन है तो तो वहां से तो मुझे कुछ खासा रिस्पॉन्स मिला नहीं बहुत ही पेनफुल टाइम था वो मेरा अपनों से धक्का खाने का टाइम था मेरी मम्मा की तबीयत गिरती जा रही थी मेरी हालत देख के तो मैंने वहां पे झूठ बोला कि मेरे को एक रेंटेड अपार्टमेंट मिल गया है दो मुझे मिला नहीं अब फिर वहां पे आता है आपका संघर्ष का टाइम मैं जितने प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाती थी कि मुझे रेंटेड अपार्टमेंट चाहिए वो मेरा आधार कार्ड देखते थे अच्छा गुड़गांव में ही रहते हो हाँ जी तो पेरेंट्स के पास क्यों नहीं रहते डिवोर्स चल रहा है सर डिवोर्स ही हो जी अच्छा ये रहा फ्लैट की चाबी मेरा फ्लैट है आप रखिए एक चाबी मेरे पास एक चाबी आपके पास बहुत ही सिंपल लाइन यूज करते हैं ऐसे डिवोर्सीज के लिए जैसे हम हर चीज़ के लिए रेडी हैं वो टाइम बहुत खतरनाक था मैं कुछ दिन अपनी दोस्तों के घर रुकी एक दो दिन मैं अपनी मामी के घर रुकी बट ज़्यादा टाइम तक आप किसी घर में नहीं रुक सकते ना उनकी प्रेवेसी ख़राब होती है और मेरे पास घर नहीं था सो मैं दो दिन बंगला साहिब चली गई वहां पे मेरे को सेफ फील होता था और काम का प्रेशर इतना ज़्यादा था घर नहीं था कुछ भी नहीं था और मम मम्मा मेरे को फ़ोन करती थी खाना खाया ऐसे हाँ खाया मिल गया घर हाँ मिल गया ठीक है मैंने कहा हाँ ठीक कट फिर मेरी एक बहुत अच्छी क्लाइंट थी उनसे मैंने डिस्कस करा रैंडम कॉल था और मैं बहुत ही उदास थी उनका सो मैंने आर यू ओके बट हर टाइम तो तुम जोश में रहती हो आज क्या हो गया मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे घर नहीं मिल रहा और मुझे प्रॉपर्टी डीलर्स कुछ हैं बहुत बदतमीजी से डील कर रहे हैं और मेरे सर पर कोई आदमी नहीं है और मुझे कहीं से हेल्प नहीं मिल रही सिर्फ काम डाउन उनका एक रेंटेड उनका एक फ़्लैट था ग्रेटर फरीदाबाद में बहुत बहुत अंदर जाके जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं थी कॉल्स की वो टावर नहीं था उन्होंने बोला कि तुम्हें फोन ले कॉल्स लेने में प्रॉब्लम आएगी तुम्हें नीचे बैठ के कॉल्स लेनी पड़ेगी गार्डन में सोसाइटी के आई सेड ओके जस्ट जस्ट गिव गिव इट इट टू टू मी मी यार मैं उस रेंटेड फ्लैट में थ्री बी एच के का जहाँ पे मेरे पास मैं पैसे जोड़ रही थी मुझे बहुत गुस्सा था अंदर ना बहुत पेन था कि मेरी गलती नहीं है मुझे इन चीजों से गुजरना पड़ रहा है मुझे बहुत गुस्सा था और अपने पे बड़ा पेन था अपने लिए कि मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा ना मतलब मेरे को घर नहीं है मेरे पास खाने का सिस्टमाइज नहीं है मेरा डाइट खराब हो गया मेरे क्लाइंट्स हिल रहे हैं मेरा काम हिल रहा है मैं क्यों कर रही हूँ जस्ट बिकॉज वन थिंग कि मैं कुछ करना चाह रही थी और कोई साथ नहीं दे रहा ना क्योंकि पैसे नहीं है आपके पास एनी anyway, वेज मैं उस घर में एक गद्दा लेके शिफ्ट हुई थी एंड वन सिंपल ब्लैंकेट धीरे धीरे मैंने उस घर में सामान बनाया पैसे जोड़े और लगाया पर्दे लगाए वरना चदरों से उसको कवर करा वो डेढ़ साल मैं उस घर में रही हूँ और डेढ़ साल में सोई नहीं हूँ डर लगता है ना अकेले सोने में क्योंकि पर्दे भी नहीं है पेन गिरेगा तो आवाज़ आएगी और पूरे टावर में आपके पास सिर्फ तीन ही फैमिली रह रही है बड़े टावर में मैं वॉचमैन अंकल को नीचे देखती रहती थी कि आप घूम रहे हो ना और जब बात आती थी, थी क्लाइंट कॉल्स की न क्लाइंट्स की कॉल्स लेनी है तो नीचे गार्डन में जाना पड़ता था दो बजे एक बजे वहाँ पर बैठ के काम करना पड़ता था कॉल्स की आवाज़ ही नहीं आती थी डेढ़ साल ना मैं सोई नहीं रोती कभी हॉस्पिटलाइज रोती कुछ होता कोई आया नहीं हेल्प करने किसी ने पूछा नहीं देखा नहीं मदर के सामने बड़ी एकदम टॉप बन के जाती थी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंदर से मैं ठीक नहीं थी बिकॉज आई मे अ पेन डिवोर्स केस चल रहा था कोई नहीं आता था, था कोर्ट में मेरे साथ वहां से पांच लोग आते थे डेट पे मैं अकेली जाती थी मेरे लॉयर के साथ दीपक कोहली जी के साथ वो भी बोलते थे बड़ी ताकतवर लड़की है तू मैंने कहा वो मैं हूँ बनना पड़ा ना ऑप्शन नहीं है नहीं तो मरो सुसाइड करो या तो फिर आप यहाँ तक आओ दोनों में से एक ही ऑप्शन है आपके पास तो करना पड़ा ना साथ में मजबूती भी दिखानी पड़ी क्योंकि यहाँ पे आपके क्लाइंट से वो ही बेचारे टूटे पड़े उनको खड़ा करने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा ना तो वो करना पड़ा फिर डेढ़ साल के उस करियर में जब तक मेरा डिवोर्स अच्छा खासा चल रहा था मैंने ये पैसे जोड़े और मैंने सबसे पहली चीज करी अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाया जिस दिन मैंने उस घर की पेमेंट करी मैं उस रात को तसल्ली से सोई कि ये मैंने किया है जी और फिर मैंने डिक्लेयर किया कि मैंने घर बनाया है अब पैसे की पावर सुनो जब आपके पास पैसा आता है जो लोग आपको कभी हेलो बोल के राजी नहीं है वो एकदम टर्न कर जाते हैं मेरा पूरा इंटायर फैमिली टर्न हो गया तुम ठीक हो मेरे फादर का रूबा चेंज हो गया घर ले लिया इट मीन्स कुछ करा है बिग करा है जी करा जब घर देखा तो वो और प्यारा है क्योंकि उसको मैंने खुद खड़ के बनाया मेरा पूरा दिल जान सब लगाया उस घर में सब मेहनत से बनाया खुद से बनाया खड़ के बनवाया मजदूरों में कोई नहीं आया था मैंने अकेले बनवाया घर बनाया तो मैंने पैसे की ना पावर देखी है उस समय मेरे दिल में आया कि ये मेरी औकात है मैं यहाँ तक आई हूँ ये मेरी औकात है मैं यहाँ तक जंप करके खुद से आई हूँ फिर मैंने और चीजें करी मैं करियर में आगे बढ़ी और बढ़ी वहां पे मेरी मदर का किडनी फेलियर हो गया अब मैंने अपनी मदर को सेव करना था बिकॉज मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ मुझे लगता है अगर वो नहीं है तो फिर मेरे सर पे किसी का हाथ भी नहीं है मैं किडनी डोनेशन के लिए गई कि मैं अपना किडनी देती हूँ मेरे ब्लड टेस्ट ही चल रहे थे लकीली भगवान के रूप में हमारे पास हमारी मामी है विडो है वो उन्होंने बोला मैं दूंगी एंड तो मैं नहीं देना तो उन्होंने उनसे मैंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया मैं अकेली अपनी फैमिली में पर्सन थी जो इस चीज़ के लिए फेवर में थी कि मुझे किडनी ट्रांसप्लांट कराना है मेरे फादर डायलिसिस के फेवर में थे पूरा फैमिली डायलिसिस के फेवर में था बट मुझे पता है अगर मेरी मदर डायलिसिस पे जाएगी क्योंकि मैं उनका ट्रीटमेंट करवा रही हूँ किडनी का छः सात साल से वो छः महीने सर्वाइव नहीं कर पाएगी तो मुझे ट्रांसप्लांट चाहिए ही चाहिए डॉक्टर संदीप गुलेरिया अपोलो में सर्जन है सब जानते हैं उन्हें उनको मेरी पूरी एंटायर स्टोरी पता है उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करा इस चीज़ में कि नहीं बेटा तुम कराओ हम हैं जिस दिन ऑपरेशन था उस दिन वीकेंड था मेरे को डाइट्स जानी थी अब ये ना दिमाग की गेम है अंदर ग्यारह घंटे की सर्जरी चल रही है दोनों माए अंदर हैं ऑपरेशन थिएटर में यहाँ पे आपको डाइट्स बनानी है बट उस दिन भी मैंने काम करा हॉस्पिटल में बैठ के बिकॉज मेरे को लगता है मेरा काम मेरा ऑक्सीजन का काम करता है मुझे ब्रीथ दे ब्रेथ सांसें देता है मुझे मैं काम नहीं करूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ जीरो मैं कहीं पर भी हूँ मैं काम कर सकती हूँ मेरा काम मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करता है मुझे सांस देता है मेरे क्लाइंट्स मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं जब मैं गद्दा लेके वहाँ पे शिफ्ट हुई थी उस फ्लैट के अंदर तब मेरे पास हार्डली 200 क्लाइंट थे मैं उनको जैसे तैसे बैलेंस कर रही थी मैनेज कर रही थी रिवोस का केस लड़ रही थी घर जो घर बनाने के लिए पैसे जोड़ रही थी आज के टाइम पर मेरा जो काम है मेरा जो नाम है वो इंटरनेशनली चलता है मेरे पास सेवेंटी जो क्लाइंटेज है वो सारे एन हैं 30% इंडियन है मैं उन लड़कियों के साथ बहुत अच्छे कंफर्टेबल होके उनका ट्रांसफॉर्म करती हूँ जिनका पैसे नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है पर जिनके अंदर जज्बा है ना कि सुमन मुझे करना है मैं उनके साथ ज्यादा अच्छे से काम करती हूँ मुझे मजा तब आता है जो मेरे को सबसे बेस्ट मुझे लगता है मैंने आज तक अचीव करा है लेडीज जो तीन दिन आई फेल के बाद भी कंसीव कर जाती है डाइट के थ्रू अपने आप को ठीक करके जिनको तीन तीन साल से पीरियड्स नहीं आते वो महीना डाइट करती है डेढ़ महीना डाइट उनको पीरियड्स आ जाते हैं और वो कंसीव भी कर जाती हैं और मुझे बहुत सारी भी भेजती हैं द बेस्ट पार्ट मुझे लगता है जब वो बच्चों की फोटोज भेजती ना दीदी दिस इज ऑफ यू हैं यार काश मेरा भी होता बट कोई बात नहीं यार तेरा हो गया तो बढ़िया है तेरा मेरा कोई दिक्कत नहीं है सो so, ये छोटी छोटी चीजें हैं मुझे लगता है ये मैंने बहुत तसल्ली से हासिल करी है जो ये प्यार मैंने हासिल करा है ये मुझे मेरे घर वालों ने दिया नहीं कहीं से मुझे मिला नहीं तो मुझे वहां से मिला और वो जो प्यार है मुझे यहाँ तक खड़ा करता है मैं अपनी उड़ान कभी किसी के हाथ में नहीं दूंगी मैं अपने पे दो तरीके से काम करती हूँ एक मेरा मेंटल लेवल स्ट्रांग होना चाहिए पक्का अगर मैं यहां से मजबूत हूं मैं कुछ भी कर सकती हूँ तो so, सबसे पहले मैंने अपने इमोशंस के ऊपर अपना कंट्रोल डाला है कि गिरना नहीं है सुमन आगे बढ़ना और मैं यहाँ से आगे और बढ़ती चली जाऊंगी अभी तो मैंने शुरुआत करी है अभी से लोग हिल गए डर गए अब जब मैं आगे जाऊंगी मैं अपनी जहाज मैंने तैयार करा है अब जब मैं उड़ाऊंगी उसको तब तो और आतंक मचेगा एम श्योर मचेगा बट मैं रुकूंगी नहीं तो so, ये हूँ मैं सुमन और ये है मेरी कहानी इट इज़ सेट दैट वेन यू एजुकेट वुमेन यू एजुकेटेन इंटायर जनरेशन नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती हैं ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की जिन्होंने सी एस करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी नीला प्रणाली आरती और उषा जी ने मिलकर स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट फाइनेंस बिजनेस बिल्डिंग सीख कर आज अपनी अलग पहचान बनाई है आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर वन स्पोकन इंग्लिश लर्निंग एप स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें